चलिए बॉयज एंड गर्ल्स देखिए रेडी। तो भाइयों और बहनों आज हम लोग क्लास 11 न्यू सिलेबस में टैक्सेशन का फर्स्ट क्लास करें। क्लास 11 न्यू सिलेबस टैक्सेशन का फर्स्ट क्लास। तो देखिए टैक्सेशन का सिलेबस क्या है आपको मेरे बैक साइड में दिख रहा होगा। देखिए इसमें दो चैप्टर आपका सेमेस्टर वन क्लास 11 सेमेस्टर वन का दो चैप्टर आपको पढ़ना है, एक थर्ड यूनिट एक फोर्थ यूनिट। थर्ड यूनिट के अंदर में ए बी सी बोल के तीन कॉम्पोनेंट है, मतलब तीन पार्ट है, और फोर्थ यूनिट जो है वो रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो फोर्थ यूनिट है, वो एक अलग टॉपिक है। तो ये आपको टोटल इतना पढ़ना है। तो ए के अंदर मतलब यूनिट थर्ड के अंदर में आपको ए बी सी तीन चीज़ पढ़ना है, और यूनिट फोर्थ के अंदर में रेसिडेंशियल स्टेटस, और आपका सेमेस्टर वन कम्प्लीट हो जाएगा। कॉस्टिंग ऑलरेडी हम लोग कम्प्लीट कर चुके हैं, अब यहाँ से क्या स्टार्ट करें बाबू टैक्सेशन। देखिए अब यहाँ से सबसे पहले तो आपको ये पहला तो डेफिनेशन ही होता है, सबसे पहले तो टैक्स क्या है, टैक्स किसको बोलते हैं, टैक्स का क्या मतलब है। तो भाइयों बहनों टैक्स इज द कंपलसरी बर्डन, टैक्स इज द कंपलसरी बर्डन। टैक्स एक जबरदस्ती का बोझ है, कैसा बोझ है बताइए, जबरदस्ती। कौन लगाता है बोलो, गवर्नमेंट। किसके ऊपर, हम लोग और आप लोग के ऊपर, और इसलिए लगाता है सोशल वेलफेयर मतलब समाज सेवा के नाम पर। गवर्नमेंट टैक्स लेता है ये बोल करके कि हम समाज सेवा करेंगे, मतलब आप लोग के लिए रोड बनवाएंगे, आप लोग के लिए ब्रिजेस बनवाएंगे, आप लोग के लिए स्कूल्स बनवाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे। तो व्हाट इज टैक्स, तो टैक्स इज द कंपलसरी बर्डन, टैक्स इज द कंपलसरी इम्पोज बाय गवर्नमेंट ऑन द पीपल फॉर सोशल वेलफेयर। टैक्स क्या है, टैक्स एक कंपलसरी बर्डन। कौन लगाता है, गवर्नमेंट। किसका ऊपर, हम लोग का ऊपर, किस लिए, सोशल वेलफेयर, सोशल। लिखिए पॉइंट नंबर वन। यूनिट थ्री हेडिंग दे दिया ना, इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन, चैप्टर का नाम भी लिख दीजिए, कॉपी निकालो यार, ऑनलाइन जो लोग वीडियो देख रहे हो कॉपी निकालो प्लीज, इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन निकालिए, कॉपी निकालिए प्लीज, निकालिए ना। देखिए आप लोग का स्कूल में टैक्स हो गया क्या, वाह टैक्सी हुआ, टैक्स मतलब टैक्सी नहीं टैक्स। देखिए देखिए तो बॉयज एंड गर्ल्स सबसे पहले देखिए, सबसे आप लोगों का पूरा सेमेस्टर में इस सेमेस्टर में सबसे छोटा सिलेबस इसी का है, इसका सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं, इवन इस बार तो CLPA से भी छोटा इसका सिलेबस हो गया, इवन CLPA थोड़ा सा बड़ा हो गया पहले के कंपैरिजन में, अभी इसका सिलेबस बहुत छोटा कर दिया, ऑलरेडी छोटा था और छोटा कर दिया। तो अभी देखो क्या लिखे, तो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू ऑफ टैक्सेशन लिख दिया ना हेडिंग चैप्टर का नाम, यस। नोट्स ऐसा बनाना है कि सब आपसे जलने लगे। लिखिए पॉइंट नंबर वन लिखो, बोले लिखिए टैक्स इज द कंपलसरी बर्डन, टैक्स इज द कंपलसरी बर्डन विच इज इम्पोज्ड। स्पेलिंग बोले क्या, विच इज इम्पोज, लिखो ना ऑनलाइन वालों क्यों इधर देख रहे हो, लिखो विच इज इम्पोज्ड ऑन, विच इज इम्पोज्ड ऑन पब्लिक फॉर सोशल वेलफेयर, फॉर सोशल वेलफेयर, समाज का अच्छाई के लिए, समाज का भलाई के लिए आप टैक्स लगाते हो। टैक्स कौन लगाता है बताइए, गवर्नमेंट। कौन लगाता है बताइए, अच्छा तो बाबू टैक्स कितना टाइप का होता है, तो आपको कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में भी कभी ना कभी बता ही चुके होंगे ऑलरेडी कि टैक्स दो तरह का होता है। कितना तरह का होता है बाबू, दो, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अकाउंट्स में भी तो था, अकाउंट्स में भी तो पढ़ाई थी। तो आपको लगे देखो यही फायदा है कॉमर्स लेने की, सारे सब्जेक्ट्स लगभग एक जैसे ही, लगभग एक जैसे, मतलब आपको ये नहीं लगे कि बहुत, जैसे माध्यमिक आपने दिया तो वहाँ पे अगर आपने सात सब्जेक्ट्स पढ़ा है तो सेवन सब्जेक्ट्स आर ऑफ सेवन टाइप्स, यहाँ पर ऐसा नहीं। तो इसी बात पर बताइए टैक्स कितने तरह के, दो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है बाबू इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है भाई, तो डायरेक्ट टैक्स वो होता है ना, डायरेक्ट टैक्स जिसका ऊपर टैक्स लगेगा वही आदमी पैसा देगा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, इसीलिए इसका नाम डायरेक्ट टैक्स है, बिकॉज ये टैक्स वही आदमी देगा जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया है। तो डायरेक्ट टैक्स इज पेड बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज इम्पोज्ड, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है ना, डायरेक्ट टैक्स आराम से हाथ में लग जाएगा। जब भी आप लोग गेट बंद करोगे थोड़ा प्यार से करोगे, एक लड़का का हाथ में लग गया था बहुत जोर से, ओवर एक्साइटेड होकर मार दिए तो फिर एक्शन एज रिएक्शन हो जाएगा। इधर देखिए, इधर देखो टैक्स दो तरह का, डायरेक्ट टैक्स और क्या बाबू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा डायरेक्ट टैक्स वो होता है ना, डायरेक्ट टैक्स
अब वो सुना सुना ही लगे थोड़ा सा। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो जिसके ऊपर लगता है वही आदमी देता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। बेस्ट एग्जाम्पल क्या हुआ? इनकम। मेरा इनकम होगा हम टैक्स देंगे, आपका इनकम होगा आप टैक्स दोगे, उनका इनकम होगा वो टैक्स देंगे, जो कमाएगा वो टैक्स देगा, इसीलिए इसका नाम क्या बाबू? डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स वो होता है ना, डायरेक्ट टैक्स जो जिसके ऊपर लगेगा वही आदमी देगा, जिसके ऊपर वही आदमी। डायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन द इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड फ्रॉम द सेम पर्सन, जिसके ऊपर लगता है वही आदमी देते हैं। अब भैया इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स में पढ़ाया था आपको, इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो लगाते किसी और पे है, देता कोई वाह मतलब यस पढ़ाई थी आपको, अकाउंट्स में भी पढ़ाई था कि इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो लगाते किसी और पे देता कोई और है, मांगते किसी और से हो देता कोई। तो इस टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल क्या है? जीएसटी। तो इनडायरेक्ट टैक्स का बहुत बड़ा एग्जाम्पल इंडिया में क्या है? जीएसटी। और डायरेक्ट टैक्स का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। अच्छा, इनकम टैक्स के अलावा भी डायरेक्ट टैक्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे वेल्थ टैक्स होता है। अब तो वेल्थ टैक्स बंद हो गया इंडिया में, लेकिन आप लोग का एग्जाम में ना क्वेश्चन में मान लीजिए कोई स्कूल में दे दिया पेपर में, तो याद रखिए वेल्थ टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? डायरेक्ट टैक्स। किसके एग्जाम्पल है? डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट कस्टम ड्यूटी बोल के टैक्स है, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर ही आता है। तो आपको मेनली याद रखना है कि टैक्स कितने तरह के हैं? दो, डायरेक्ट और डायरेक्ट और डायरेक्ट और। तो वो कौन सा टैक्स है जो जिसके ऊपर लगेगा वही देगा? अब वो कौन सा टैक्स है जो लगाते किसी और पे है देता कोई? इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये ना आप जब पॉइंट नंबर 2 लिखोगे ना अभी कॉपी में, इसको ना ऐसे लिखने का है जैसे हम चार्ट बनाएंगे, अभी हम चार्ट बनाएंगे, चार्ट के फॉर्मेट में ही लिख लेंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? टैक्स। अभी समझो, दो मिनट बाद लगाना टैक्स, उसके बाद दो टैक्स डायरेक्ट टैक्स आप पूरा लिखिएगा, और दूसरा क्या बाबू? इनडायरेक्ट टैक्स। आप ऐसे बता पूरा लिखिएगा। अब डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? देखिए इसको लिख देते हैं, डेफिनेशन भी यहीं पे लिख देते हैं, इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड फ्रॉम क्या? सेम पर्सन। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है? इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन बट कलेक्टेड फ्रॉम अनदर पर्सन। यह सुनो गाइस, इतना लंबा चौड़ा कौन लिखेगा? अच्छा, डायरेक्ट टैक्स का बेस्ट एग्जाम्पल। और आपके सिलेबस में जो टैक्स है ना, आप जो 11 में पढ़ोगे या 12 में पढ़ोगे, वो इनकम टैक्स ही पढ़ोगे। जब आप कॉलेज में आओगे तब आपको वहाँ पे जीएसटी के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। जीएसटी का मीनिंग तो आप अकाउंट्स में ही पढ़ा देते आपको, मैं तो सिलेबस में था, लेकिन पूरा डिटेल में उसका टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, अमाउंट कैसे निकालते हैं, ये सारा चीज़ आप डिटेल में पढ़ोगे कब? जब आप आओगे कॉलेज में। कब आओगे? कॉलेज में। इनकम टैक्स, और इसका एग्जांपल है बाबू जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पूरा अकाउंट्स में डिटेल में पढ़ा दिया था ऑलरेडी, इसलिए पूरा स्टार्टिंग से जो हम बता रहे हैं वो सब आपको सुना सुना ही लगता होगा। तो बाबू यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बताइए? जीएसटी। आप जल्दी से ऐसे ही उतार लीजिए, फिर हम लोग अगला टॉपिक में चलते हैं। ये टॉपिक पढ़ा पढ़ा टॉपिक है, कॉन्सेप्ट नंबर कितना? 2 ना। ओके, कैमरा नीचे कर ले क्या? नहीं दे, अच्छा चलिए ठीक है। तब कितने अच्छे हो यार आप लोग। इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड फ्रॉम सेम पर्सन। इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड फ्रॉम सेम पर्सन। न्यू नंबर से लॉगिन करना पड़ेगा। अब उस फोन साइलेंट करके आई क्लास में, आप लोगों को रोज बोलते हैं, आप लोग नया स्टूडेंट नहीं हो आप।
बाबू सीधा सीधा बोर्ड में है, बात क्यों कर रहे हो इतना? देखिए है साढ़े बारह पौने एक बजे तक आइए। देखिए ऐप रजिस्टर करके मोबाइल नंबर भेजोगे तब ना हो गया क्या? देखिए तो अब वो बात नहीं, आपके सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में ओनली इनकम टैक्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है बाबू? इनकम टैक्स। तो अब हम लोग जो यहाँ तक था इंट्रोडक्शन था, बैकग्राउंड था, अब हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो सिर्फ इनकम टैक्स से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। तो आप कॉन्सेप्ट नंबर 3 में चलते हैं। अब देखिए इनकम टैक्स में आता है, अब यहाँ से जो पढ़ोगे वो आपके लिए नया है, बिकॉज ये सब चीज़ तो आप अकाउंट्स में भी आपको बता दिए थे। देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, इंडिया में जो डायरेक्ट टैक्स है उसका नाम है इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स इंडिया में कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? इंडिया में इनकम टैक्स स्टार्ट हुआ था 1961 में इनकम टैक्स का लॉ आया था। लेकिन इनकम टैक्स का जो लॉ है वो पूरा इंडिया में चालू हुआ था 1 अप्रैल 1962 से। ये वह बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए कि आपसे पूछेगा कि इनकम टैक्स स्टार्टेड फ्रॉम, इंडिया में इनकम टैक्स स्टार्ट कब से हुआ था? तो स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1962। लेकिन वो लॉ जो है ना, लॉ जिस लॉ का रूल होता है कि लॉ जिस ईयर में, एक तरह से इनकम टैक्स एक लॉ है। इनकम टैक्स समझिए आप एक तरह से लॉ ही पढ़ने वाले हो और कुछ नहीं। तो इनकम टैक्स एक लॉ है जिसमें ये कहा गया है कि इनकम टैक्स डील्स विद, इनकम टैक्स मतलब कि आप जो कमाइएगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि एक आदमी का कमाई क्या होगा, किस किस चीज़ को इनकम माना जाएगा, इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस इनकम पे टैक्स कैसे निकालेंगे। तो इनकम टैक्स का कहानी वही हो गया। अब देखिए इनकम टैक्स एक्ट 1961, लॉ का नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसका मतलब ये जो कानून है वो आया कौन से ईयर में था? 1961। लेकिन ये कानून एक्चुअली इंडिया में लागू मतलब चालू कब से हुआ था? तो 1 अप्रैल 1962। ये दो इंपॉर्टेंट डेट्स आपके लिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 लिखिए, इन इंडिया रिपीट मत करिए, इन इंडिया इनकम टैक्स एक्ट 1961 in 1961। उसके लिखिए नेक्स्ट, इंडिया में इनकम टैक्स कौन से ईयर में पास हुआ था बताइए? 1961। उसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए, इनकम टैक्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पॉइंट नंबर 4, इनकम टैक्स एक्ट, एसीटी एक्ट कॉमा, एक्ट का एक कैपिटल होगा, इनकम टैक्स एक्ट कॉमा 1961, ये लॉ का नाम है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 कमेंस्ड। स्पेलिंग बोर्ड में देख लीजिए, कमेंस्ड मतलब स्टार्ट किया। इनकम टैक्स एक्ट 1961 कमेंस्ड
ऑन 1st अप्रैल 1962 कमेंस्ड ऑन 1st अप्रैल 1962 कमेंस्ड यस सीड कमेंस्ड ऑन 1st अप्रैल 1962। तो इनकम टैक्स चालू कब से हुआ था बताइए? इनकम टैक्स चालू हुआ, देखो आज कानून आ गया था 1961 में, लेकिन एक्चुअली जो ये लॉ है वो स्टार्ट कब से हुआ था पूरा इंडिया में? 1st अप्रैल 1962, एंड इट इज एप्लीकेबल टू द होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, जो कि पहले जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होता था लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी अप्लाई होता है। तो भाइयों और बहनों जल्दी बता दीजिए, यहाँ पर अभी तक आपको चार कॉन्सेप्ट बताए हैं, जल्दी बताइए। टैक्स अपना मन से देते हो ना जबरदस्ती? कोई भी आदमी टैक्स अपना मन से देने नहीं मांगता। टैक्स कितने तरह के? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अच्छा वो कौन से टैक्स है जो जिसका ऊपर लगाएंगे वही देगा? सिर्फ इतना ही बताना है और कुछ नहीं। और वो कौन से टैक्स जो लगाते किसी और पे देता कोई और है? यस। और डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल दीजिए, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल दीजिए। अच्छा आपके सिलेबस में क्या डायरेक्ट टैक्स है ना? इनडायरेक्ट इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या है? इनकम टैक्स। बात तो बराबर है। अभी देखो इनकम टैक्स कौन सा ईयर में चालू हुआ था? 1961 में आ गया था, और कब से स्टार्ट एक्चुअली हुआ था? 1962। जैसे कोई कानून आता है तो कानून पास हो गया, कानून को लोगों ने पास कर दिया, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, कोई लॉ संसद स्टार्ट नहीं हो जाता है, उसके कुछ दिन बाद स्टार्ट होता है। कुछ कुछ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो जल्दी 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 स्टार्ट कर देते, जिस दिन आए उसी दिन पास कर दिया। तो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन ये कानून पास हो गया था 1961 में, लॉ बन भी गया था 1961 में, बट ये चालू कब से हुआ था? 1st अप्रैल 1962। और ये इतना खूबसूरत है इनकम टैक्स कि अभी तक चल रहा है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा अमेंडमेंट्स होते हैं, अमेंडमेंट्स मतलब चेंजेस, कोई भी लॉ जो बनता है ना उसमें टाइम के हिसाब से थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है। बट सोचिए कितना जबरदस्त कितना सुंदर लॉ है कि आज तक इंडिया में चल रहा है, बात समझे ना। और लिटिल बिट मॉडिफिकेशंस टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत चेंजेस होते रहते, वो बात का बात है, बट लॉ बहुत सुंदर लॉ है ये। तो ये था हम लोग का, बात समझे ना, 1st अप्रैल 1962 से ये पूरा इंडिया में इफेक्टिव हो गया, बात समझ रहे ना। अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5। देखिए पॉइंट कॉन्सेप्ट नंबर 5 लिखिए, देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 5 लिखिए, सम अदर एग्जांपल्स ऑफ बहु बात ज्यादा और हम बार बार बोल रहे हैं, Some other examples of direct tax are professional tax and gift tax। Tax and gift. Yes. अब देखो इसको घुमा के पूछ सकता है कि gift tax किसका example है, तो direct tax। अब जो भी पढ़ेंगे वो direct tax से related पढ़ेंगे क्योंकि indirect tax syllabus में नहीं है। Indirect tax GST का concept आपका accounts का syllabus में था, जो कि आपको वहाँ पे already पढ़ा दिया था। तो समझिए कहीं ना कहीं ये topic हम लोग का सुना सुना था, starting के जो दो चार points थे वो आपके लिए बहुत common था, अब यहाँ से धीरे धीरे नया नया चीज हम लोग add करते जा रहे। चलिए अच्छा और एक concept है कि भाई direct tax collect कौन सा government करता है, क्योंकि my dear student government जो है ना, government तीन तरह का होता है। गवर्नमेंट कितना तरह का होता है? तीन। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट, एक होता है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब दादा, मतलब मोदी जी। स्टेट गवर्नमेंट मतलब दीदी। हम लोग के लिए समझना बहुत ईजी है, वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए समझना बहुत ईजी है। वट इज द मीनिंग ऑफ एस जी एंड सी जी? सी जी मतलब दादा और एस जी मतलब दीदी। तो एल जी मतलब क्या? भैया लोग, जो एरिया मोहल्ला का जो भैया लोग रहते हैं, काउंसिलर्स जो होते हैं ना, काउंसिलर। अगर आप शहर में रहते हो, शहर मतलब जैसे कोलकाता एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, शहर जो होता है जो म्यूनसिपलिटी के अंदर आता है, तो अगर आप शहर में रहते हो ना, शहर का गवर्नमेंट जो होता है वो होता है म्यूनसिपलिटी, शहर को म्यूनसिपलिटी चलाता है। जैसे कोलकाता में आप हर जगह देखते हैं KMC, तो KMC क्या है? कोलकाता का गवर्नमेंट है, कोलकाता को KMC चला रहा है, याद रखिएगा। कोलकाता इज मैनेज एंड कंट्रोल बाई KMC, कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। हावड़ा सिटी है तो हावड़ा को HMC चला रहा है, हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन।
अगर आप गांव में रहते हो, गांव मतलब आपका घर अगर थोड़ा रूरल एरियाज में, रूरल एरियाज मतलब कैसे समझेंगे सर कि हम गांव में रहते हैं कि शहर में रहते हैं, तो आप देखना कि आपके वहां का गवर्नमेंट कौन है। अगर आपके वहां पर लोकल लीडर को काउंसिलर कहते हैं तो मतलब सही, आप सोचिए आप शहर में हो, और अगर आपके वहां पर लोकल लीडर को मुखिया जी कहते हैं, ग्राम पंचायत कहते हैं, ग्राम प्रधान कहते हैं, तो बस समझे ना, तो आप समझ जाइए कि आप गांव में रहते हो। कहाँ रहते हो? गांव में। तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि वेदर स्टेइंग इन द विलेज और सिटी, आप गांव में रहते हो कि शहर में रहते हो, कैसे समझोगे? कुछ नहीं है, देखिए कि आपका गांव का हेड कौन है, वहाँ का हेड कौन है, जो हेड है उसका नाम क्या है। अगर उसको काउंसिलर कहते हैं हम लोग, जैसे हम लोग कोलकाता में यहाँ पर एरिया का हेड को हम लोग क्या बोलते हैं? काउंसिलर, 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 यस नो गाइस, क्या बोलते हैं? काउंसिलर बोलते हैं। तो इसका मतलब हम लोग कहाँ रह रहे हैं? शहर में। अब वही अगर आपके वहाँ के हेड को हम लोग मुखिया जी, ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान, ऐसा ऐसा वर्ड से डिनोट करते हैं, तो आपका जो है वो गांव है। गांव क्या बाबू? गांव। तो भाइयों और बहनों, गांव को चलाने के लिए मुखिया होता है, अगर शहर में हो तो उसको चलाने के लिए काउंसिलर्स है। तो माय डियर स्टूडेंट, वो हो गया लोकल गवर्नमेंट, मतलब जो आपके एरिया को चलाते। तो आपसे एमसीक्यू में पूछेगा कि इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड बाय, इनकम टैक्स कौन सा गवर्नमेंट लगाता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट। इनकम टैक्स इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। लिखिए पॉइंट नंबर 6। लिखिए, इनकम टैक्स इज रेगुलेटेड बाय, इनकम टैक्स इज रेगुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए अगला कॉन्सेप्ट में आइए, कॉन्सेप्ट नंबर सेवन में आइए। प्रीवियस ईयर सेक्शन 3, प्रीवियस ईयर लिख के सेक्शन 3। देखिए, रेडी? देखिए माय डियर स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर सेक्शन 3। अब देखो, समझो बात को, सेक्शन क्यों लिखा रहे? प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन आपको अभी हम बताएंगे, लेकिन सेक्शन क्यों लिखा रहे भाई और बहनों? आपको पहले ही बोले, टैक्स इज अ लॉ, टैक्स एक तरह का लॉ ही है, इनकम टैक्स लॉ। तो इनकम टैक्स जो लॉ है ना, लॉ में सेक्शन होते हैं। सेक्शन मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते पैराग्राफ, सब पैराग्राफ, पॉइंट, सब पॉइंट, वैसे लॉ में होता है क्लॉज, सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, पॉइंट्स, पैराग्राफ्स, ऐसे उसमें भी होता है। तो सेक्शन मतलब इनकम टैक्स का बुक में पॉइंट नंबर 3 में ये लिखा हो। अब सिंपल समझिए, इनकम टैक्स का सेक्शन 3 में एमसीक्यू में पूछेगा कि प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन कौन सा सेक्शन में, तो आंसर क्या होगा? 3। जो जिसका जो चीज लिखवा रहे आपको, देखो हम लोग ऑलरेडी उतना ही चीज आपको लिखाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप ये मत सोचना, इसमें छोटा मत करने लग जाना आंसर को, मतलब जो आपको हम लिखा रहे आप उसमें भी आप लिखा, इसमें भी छोटा कर दीजिए, इसमें छोटा नहीं होगा आंसर। ये ऑलरेडी आपको हम पूरा कंसाइज करके जितना इंटैक्ट है, जितना जरूरी है वही लिखा रहे। तो प्रीवियस ईयर सेक्शन कौन सा? 3। अब ये होता क्या, ये जानना होगा आपको। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड ईयर क्या होता है। ईयर मतलब, ईयर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मंथ्स? 12 मंथ्स। देखिए कैसे कॉन्सेप्ट जाएगा। अब क्या है ना, इनकम टैक्स की दुनिया में एक साल मतलब तो 12 महीने होता है, लेकिन आपको मैंने पहले भी बोला और फिर से बोल देते हैं, इनकम टैक्स में साल जो है ना वो 1 जनवरी से शुरू नहीं होता है। 1 जनवरी से शुरू नहीं होता है, सिर्फ सुनिए प्लीज। अभी आपको अपना टैलेंट दिखाने का टाइम नहीं, अभी मेरा टैलेंट देखिए। अच्छा, जब टेस्ट दोगे तो आप अपना टैलेंट दिखाना, इधर देखो। तो माय डियर स्टूडेंट, अभी वो वक्त नहीं है कि आप ये समझो, ये इनकम टैक्स की दुनिया में ये ईयर नहीं है। 12 महीना तो है लेकिन ये ईयर नहीं है। कि इसको बोलते हैं अकाउंट्स के बाद नॉर्मल लैंग्वेज में कैलेंडर ईयर। क्या बोलते हैं बाबू? इनकम टैक्स के लैंग्वेज में ये ईयर होता ही नहीं, इनकम टैक्स के लैंग्वेज में ये ईयर है ही नहीं, इनकम टैक्स के लैंग्वेज में इसको ईयर बोलेंगे ही नहीं, इनकम टैक्स के लैंग्वेज में इसको ईयर कहने से मेरे को डर लगेगा, हाथ कांपने लगे, इसको ईयर कैसे बोलते, बात समझ रहे ना? इनकम टैक्स के लैंग्वेज में ईयर क्या होता है, जैसे इसी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2024 एंड विल एंड ऑन द 31 मार्च 2025। आपके स्कूल में हुआ होगा तो आप सुने होंगे। तो इन द लैंग्वेज ऑफ इनकम टैक्स, ईयर स्टार्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल ऑफ दिस ईयर, मतलब कोई भी साल का अगर आप बात करिएगा तो उसका इस साल का अप्रैल में स्टार्ट होगा और अगला साल का मार्च में जाकर के खत्म हो जाएगा। जैसे हम यहां पर इसको और थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, तो इनकम टैक्स के लैंग्वेज में हम लोग कौन सा साल में है? 24-25। नॉर्मल कैलेंडर के हिसाब से हम लोग 24 में, इनकम टैक्स के हिसाब से हम लोग कौन से ईयर में? 24-25। इनकम टैक्स में 23-24 मतलब क्या होगा बता सकते हो? 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024। सर एक बार और बताइए ना, 22-23 का मतलब 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023। सर एक बार और बताइए ना, 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022।
एक बार और बताइए ना, 20 से 21, 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। आई थिंक इतना एग्जाम्पल काफी है आपको समझने के लिए कि टैक्स के लैंग्वेज में ईयर क्या होता है। सर एक बार और बताइए ना, अब मेरा हिम्मत नहीं है। देखिए सर, तो इतना एग्जाम्पल काफी है स्क्रीन पे ये समझने के लिए कि इनकम टैक्स के लैंग्वेज में ईयर कैसे बोलते। अब इसमें से कौन सा प्रीवियस ईयर होगा, कौन सा असेसमेंट ईयर होगा, वो बताएंगे आप, वो दैट इज सेकेंडरी। पहले आप ईयर का मतलब तो समझिए, ईयर का मतलब तो समझिए। क्योंकि लोकल लैंग्वेज में ईयर मतलब स्टार्ट्स फ्रॉम द 1 जनवरी एंड्स ऑन 31 दिसंबर, लेकिन इनकम टैक्स के दुनिया में साल शुरू होता है 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च। अब जो भी साल का बात करेगा उसके हिसाब से कन्वर्ट कर देंगे। देखिए इसमें भी 12 महीना ही होगा। कितना महीना होगा बाबू? 12। 9 महीना इस साल का, 3 महीना उस साल। 9 महीना, 3 महीना, 9 महीना, 3 महीना, ये हो गया ईयर। तो हम लोग अभी कौन से ईयर में चल रहे हैं टैक्स के हिसाब से? 24-25। वी आर इन विच ईयर? 24-25, क्योंकि हम लोग का साल शुरू हो चुका है और अभी अगला साल तक चलेगा। भाइयों और बहनों, ये तो ईयर का मतलब हो गया, लेकिन टैक्स में दो अलग अलग शब्द है, एक है प्रीवियस ईयर और एक है असेसमेंट ईयर। हम दोनों एक बार समझा देते हैं आपको, फिर लिखवाएंगे, अलग सेक्शन है। प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मंथ्स? 12 मंथ्स। असेसमेंट ईयर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मंथ्स? 12 मंथ्स। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, दोनों में अंतर क्या है? तो भाइयों और बहनों, प्रीवियस ईयर वो होता है ना, प्रीवियस ईयर जिस ईयर में आप कमाते हो, जिस ईयर में आप जिस ईयर में कमाए हो, प्रीवियस ईयर है। और असेसमेंट ईयर वो ईयर है जिस ईयर में आप देते हो, देते क्या? टैक्स। पूरा लिख दे रहे, देते हो टैक्स, बस सिंपल। एमसीक्यू इंग्लिश में बोलेंगे, तो द ईयर इन विच द इनकम इज अर्नड इज नोन एज प्रीवियस ईयर। क्या है इंग्लिश, क्या है? कुछ नहीं है। तो जिस साल में कमाते हो उसको क्या बोलते हैं? प्रीवियस। और जिस साल में देते हो क्या? टैक्स। वो क्या है? असेसमेंट। तो आपको पूछेगा, जैसे एग्जांपल, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, देखिए अभी पूरा कॉन्सेप्ट। जैसे अगर हम सुनिए, आप कॉमन सेंस से सोचिए, अगर हम 23-24 में कमाएंगे, प्लीज बोर्ड में जाने प्लीज, तो अगर हम 23-24 में कमाएंगे तो हम देंगे कब? 24-25 में। अगर हम 24-25 में कमाएंगे तो देंगे कब? अगर हम 25-26 में कमाएंगे देंगे कब? इसका मतलब देखिए, जिस ईयर में कमाते हो उसके बाद में ना दोगे, तो बताइए पहले कमाओगे कि पहले दोगे? लॉजिकल बात है, पहले कमाओगे फिर तो दोगे। तो पहले कमाते हो और जिस साल में कमाते हो दैट इज प्रीवियस ईयर, और जिस साल में देते हो दैट इज असेसमेंट ईयर। तो इस एमसीक्यू में ना ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग कि अगर प्रीवियस ईयर 23-24 है तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? 24-25। नहीं जवाब देगा वो, बोलो। तो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर डिफरेंस बताइए। प्रीवियस ईयर 12 महीना, असेसमेंट ईयर भी 12 महीना। प्रीवियस ईयर वो होता है जिस साल में हम लोग पैसा कमाते हैं, और असेसमेंट ईयर वो होता है जिस साल में हम लोग टैक्स देते हैं। जैसे अभी अगर हम टैक्स देंगे तो कौन सा साल का देंगे? 23-24 साल का टैक्स अभी हम देंगे। तो भाइयों और बहनों, कमाए थे 23-24 में, टैक्स कब देंगे? 24-25। पहले आदमी कमाएगा, कमा करके अपना हिसाब निकालेगा, उसके बाद ही ना टैक्स देगा। पहले टैक्स दे दोगे पहले टैक्स? तो माय डियर स्टूडेंट जल्दी बताइए ना, जिस साल में कमाते हैं दैट इज प्रीवियस ईयर, जिस साल में देते हैं दैट इज असेसमेंट ईयर। पहले कौन सा ईयर होता है? नाम से तो पता चला, प्रीवियस मतलब पहले, और असेसमेंट मतलब बाद में। जिस साल में टैक्स दोगे, क्या दोगे? टैक्स। बोलो हाँ कि नहीं, लिखिए। प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन कौन से हेडिंग दे दिए थे? प्रीवियस ईयर सेक्शन 3। रेडी? चलिए ना, लिखिए। बोले लिखिए, इट इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। इट इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। 12 मंथ्स, इट इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इन विच income is earned, income is earned। ये वो 12 महीना है, ये वो जिसमें आप कमाते हो, जिसमें आप, तो ये वो 12 महीना है जिसमें आप कमाते हो। जिस 12 महीना में आप कमाते हो उसको क्या बोलते हैं बताइए? प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर 12 महीना होता है जिसमें आप कमाते हो। लिख लिए, अब लिखिए अगला हेडिंग दीजिए, असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर इसका सेक्शन,
टू क्लॉज नाइन, सेक्शन टू क्लॉज नाइन, इसको क्लॉज बोलते हैं, सेक्शन टू क्लॉज नाइन, आप उतना इंग्लिश मत समझ, आप समझ लीजिए टू नाइन बस, एस ई सी डॉट सेक्शन टू ब्रैकेट में नाइन, उतना इंग्लिश क्या समझिए, शॉर्ट में लिख दीजिए, सेक्शन टू क्लॉज नाइन लिख दिए, हाँ सबसे नहीं क्लॉज होता है, सेकेंड वाला पॉइंट लिखिए, लिख लिए। अच्छा अभी असेसमेंट ईयर क्या है भाई, जिसमें देते हो क्या टैक्स, लिखिए, इट इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, इट इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इन विच टैक्स इज पेड, टैक्स इज पेड, जिस साल में टैक्स देते हो उसके लिखिए, दिस कम्स आफ्टर प्रीवियस ईयर, दिस कम्स आफ्टर प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर के बाद आता है, तो पहले प्रीवियस ईयर होगा ना, पहले असेसमेंट ईयर होगा। अच्छा हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, अगर प्रीवियस ईयर है 12-13 तो असेसमेंट ईयर क्या होगा, 13-14 कॉन्सेप्ट, आप सिर्फ सुनोगे समझोगे पढ़ाई कमी जाएगा, आपको क्या भी एमसीक्यू पेपर है घर में याद निकले, लेकिन समझना बहुत जरूरी, कोई टॉपिक को समझे भी ना आगे मत बढ़िया, नहीं तो दिक्कत होगा आपका एमसीक्यू में, क्योंकि एमसीक्यू थोड़ी ना डेफिनेशन देगा हमको, एमसीक्यू उसके बीच बीच से क्वेश्चन निकाल के देगा, तो उसके लिए मेरा समझा हुआ रहना जरूरी। अच्छा अभी यहाँ पे ना दो यूनिक सिचुएशन है, कभी कभी पूछता है कि कैन द प्रीवियस ईयर बी लेस देन 12 मंथ्स, कि तब से हम क्या बोले प्रीवियस ईयर 12 महीना का होगा, तो बोला क्या प्रीवियस ईयर 12 महीना से कम का हो सकता है, तो माय डियर स्टूडेंट प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का हो सकता है अगर आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया तो, जैसे बात समझिए, जैसे मान लीजिए हम नया बिजनेस स्टार्ट किया तो हम तो अपना सुविधा के हिसाब से बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कोई आदमी मुहूर्त देख करके 1 अप्रैल कोई तो बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा, जस्ट थिंक फ्रॉम योर हार्ट, सोच के देखिए कि अगर कोई आदमी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा, एक क्वेश्चन पूछता है कि कैन द प्रीवियस ईयर बी लेस देन 12 मंथ्स, क्या प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम हो सकता है, तो आंसर है कि यस ये 12 महीने से कम हो सकता है इफ दैट इज न्यूली स्टार्टेड बिजनेस, न्यूली स्टार्टेड बिजनेस मतलब जैसे मान लीजिए रनिंग बिजनेस है तो कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए हम नया कोचिंग खोल रहे, तो नया कोचिंग अगर मान लीजिए हम खोलेंगे तो हम मुहूर्त दिखा करके 1 अप्रैल को तो स्टार्ट नहीं करेंगे, मेरा जिस दिन कंफर्ट होगा जिस दिन साल के किसी भी दिन हम स्टार्ट कर सकते, तो उस केस में क्या होगा कि मेरा प्रीवियस ईयर 12 महीना तो नहीं होगा, जब बिजनेस जब स्टार्ट हुआ है तो मान लीजिए 1 अक्टूबर को बिजनेस स्टार्ट हुआ या 1 सितंबर को अच्छा दिन है उसमें हम स्टार्ट किए तो मेरा 1 साल होगा नहीं होगा, तो याद रखिएगा प्रीवियस ईयर 12 महीना से छोटा हो सकता है अगर आपने बिजनेस को नया नया स्टार्ट किया है तो, नॉलेज का एकदम बात है। लिखिए अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 9, ये सब पढ़ रही हो ना स्कूल में आप लोग, लिखिए वाह लिखिए, प्रीवियस ईयर कैन बी तो आप लोग सब देखिए स्कूल में क्या, प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन 12 मंथ्स, लेस देन 12 मंथ्स इफ क्या बाबू, बिजनेस इज, इफ बिजनेस इज न्यूली स्टार्टेड अगर आपने बिजनेस को नया नया स्टार्ट किया है तो ठीक है। चलिए अब अच्छा अब आई रुकिए बाबू, हाँ तो रीजन पढ़ के मारना पड़ेगा, रूल है तो हाँ, पार्टली ट्रू पार्टली फॉल्स, ऐसा ऑप्शन देगा जैसा क्वेश्चन देगा वैसा आंसर होगा, कोई छाप नहीं है उसके लिए। अच्छा अभी तब से आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, और एक बात, एक क्वेश्चन देखिए, हम अपना कॉन्सेप्ट में ही आपको नया नया कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, वैसे एक तो बेसिक होगा प्रीवियस असेसमेंट हो गया, यहाँ पे और एक क्रॉस क्वेश्चन होता है एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि तब से आपको हम एक ही बात बोल रहे कि प्रीवियस ईयर के बाद वाला असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर के बाद वाला असेसमेंट ईयर, इसमें भी एक क्वेश्चन होता है कि क्या कुछ ऐसा सिचुएशंस है जहां पर प्रीवियस ईयर का इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना पड़ेगा, तो इनकम टैक्स बोलता है हाँ, कुछ सिचुएशंस ऐसे हैं जहां पर आप जैसे तब से आपको क्या पढ़ा रहे, पहले कमाओगे फिर दोगे, पहले कमाओगे फिर दोगे, तब से तो ऐसा बोल रहे ना, बट देर आर फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ सिचुएशंस ऐसे हैं जहां पर जिस साल में कमाइएगा उसी साल में देना होगा, बार बार समझिए हम अपना बात का ही आपको एक्सेप्शंस बता रहे, तब से आपको हम क्या पढ़ा रहे, पहले कमाओगे फिर दोगे, लेकिन अब क्या आपको बताने जा रहे, अब आपको हम देर आर फ्यू सिचुएशंस, 2-4 ऐसे सिचुएशंस है जहां पर जिस साल में कमाएगा ना उसी साल में टैक्स देना पड़ेगा, पर ऐसा सिचुएशन कौन सा है वही आपको हम बताने के लिए जा रहे हैं, कॉपी में लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 10 आज के लिए लास्ट कॉन्सेप्ट, समझिए मैक्सिमम 4-5 क्लास में पूरा सिलेबस कंप्लीट आएगा, देखिए
कॉन्सेप्ट नंबर कितना बाबू? 10। देखिए अंडर फॉलिंग सिचुएशन प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर इज सेम। ये वो सिचुएशंस आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू जहां पर प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है बाबू? सेम। मतलब प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना पड़ेगा। ओ माय गॉड, कौन से ईयर में टैक्स देना पड़ेगा? प्रीवियस ईयर। ऐसा कब होगा? पॉइंट नंबर ए लिखिए इनकम बाय नॉन रेसिडेंट इंडियन फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। अगर आप एक ऐसा इंसान है जो इंडियन नहीं हो, मतलब इंडिया में नहीं रहते हो और तुम्हारा शिपिंग बिजनेस है, तो उस केस में आपको कहीं शिपिंग बिजनेस वाला लोगों को तो भरोसा नहीं है ना बेटा, कब भाग जाएगा देश छोड़ के? क्योंकि वो लोग तो पानी में रहता है और पानी में 5-5 महीना 6-6 महीना रहता है। इसीलिए इनकम टैक्स वाला लॉ बनाया कि अगर आप नॉन रेसिडेंट हो, इंडियन हो, शिपिंग बिजनेस करते हो, शिपिंग बिजनेस मतलब जहाज में रहते हो, तो बाबू तुम टैक्स देते हो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। क्या पता अगला साल मिलोगे नहीं मिलोगे। जहाज में जा रहा ना, कहीं उड़ पुड़ गया, जहाज तो डूब जाता ना, देखते नहीं जहाज कब डूब जाएगा? कहीं जहाज में भी लुटेरा होता है। आप जो मूवीज में देखते हो ना, रियल, मेरे एक तो स्टूडेंट है नेवी में, उससे पूछे तो बताया, बात समझे ना, कि उसमें भी मतलब बोला कि हम लोग का भी लुटेरा आता है, डकैत लोग रहता है, 6-6 महीना 7-7 महीना पानी के अंदर ही है, तो डर है बाबा। इसीलिए इनकम टैक्स वाला बोला कि बाबू तुम लोग टैक्स दे दो प्लीज, तुम लोगों को भरोसा नहीं, हम असेसमेंट ईयर तक वेट नहीं कर सकते। यू हैव टू पे ऑन द सेम ईयर इन विच यू हैव अर्न द मनी। आपने जिस साल में पैसा कमाया हमको उसी साल में टैक्स चाहिए, बस। तो बस पॉइंट नंबर 2 बी लिखिए पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली। अगर कोई आदमी इंडिया छोड़ के जा रहा है तो इनकम टैक्स वाला बोला, जैसे कोई आदमी इंडिया छोड़ के जा रहा और आप कोई भरोसा नहीं कि वापस आएगा कि नहीं आए, कोई इनकम टैक्स वाला बोलता है तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? तो इनकम टैक्स वाला को भरोसा नहीं तुम्हारे ऊपर। तुम जब देश छोड़ के जा सकते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो बाबू, टैक्स देके जाओ। क्या देके जाओ? टैक्स। मतलब कोई आदमी अगर मान लीजिए इंडिया छोड़ के जा रहा परमानेंटली, तो इनकम टैक्स वाला बोलता है, क्या बोलता है, कि तुम्हारे ऊपर हमको डाउट लग रहा बाबू, तुम इस साल का कमाई इसी साल में टैक्स दे दो, तुम्हारे लिए हम वेट नहीं कर सकते क्योंकि तुम परदेसी हो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। अगला पॉइंट लिखिए, लास्ट पॉइंट, डिसकंटिन्यूड बिजनेस। अगर आप अपना बिजनेस बंद कर लिए हो तो बाबू टैक्स दे दो। तो जब बिजनेस ही बंद हो गया तो तुम्हारे लिए वेट क्यों करेंगे? तो ये वो सिचुएशन है जहां पर जिस साल में कमाइएगा ना उसी साल में टैक्स देना पड़ेगा। इसमें प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर सेम होते हैं, याद रखिएगा। दीज आर द केसेस व्हेन द प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर आर सेम। समझ रहे हो ना? थैंक यू सो मच। एक बार